तो शंखवारियों अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप मतलब यहाँ पे एक से बढ़ के एक डीजे सेटअप, मतलब डीजे के मेला हरे संगवारी हो, बहुत ही जबरदस्त शानदार यहाँ के माहौल। तो सबसे पहला गाना आप मन के कौन से वायरल हुई चला बताते हो? पहला गाना था, अभी हम मन कहाँ मौजूद है हम तेला बताते हो भी? हम लोग अभी धमतरी में है जी, एक्सपो 2024 छत्तीसगढ़ में। और कहाँ कहाँ एक्सपो होते? एक्सपो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मैं शिवम सौ आज पहुंच चुके हैं धमतरी। संगवारी आप मन के बहुत दिन से कमेंट में कमेंट आते रहे, डीजे सारंगा के इंटरव्यू चाहिए, डीजे सारंगा के इंटरव्यू चाहिए। संगवारी फाइनली अपन धमतरी में आज CG05 एक्सपो के कार्यक्रम रखे गए हैं, यहाँ पहुंचे अपन डीजे सारंगा। तो कौन हरे, कहाँ के हरे, कैसे शुरुआत करी से, सब चीज आप मन के सामने रखो। तो चलो संगवारी आज की वीडियो शुरू करें। यहाँ के माहौल आप मन देख सकते हो, कितना सारा गाड़ी वगैरह के लाइन लगे है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे साथ सजावट है और यहाँ की भीड़ भी देख सकते हो आप ना। चलो फाइनल हम मन चलते हैं यहाँ से अंदर। अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमें यहाँ से जाना है ये साइड अंदर, तो चलो फाइनली लेके चलते हैं। यहाँ ऊपर के माहौल आप मन देख सकते हो, यह है एंट्री गेट और चलो फाइनली अंदर। तो संगवारी अंदर आए के बाद CG05 एक्सपो के यहाँ के नज़ारा कुछ इस प्रकार से आप मैंने देखे ला मिली। फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार यहाँ पे व्यवस्था है। अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप मतलब यहाँ पे एक से बढ़ के एक डीजे सेटअप, मतलब डीजे के मेला हरे संगवारी हो, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार यहाँ के माहौल है और देख सकते हो मज़ा आ गया संगवारी हो यहाँ पे आए के बाद। अगर डीजे खरीदना है संगवारी हो तो आप मन बिल्कुल एक बार CG05 एक्सपो धमतरी पहुंचो, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के नज़ारा है और आप मतलब एक से बढ़ के एक डीजे सेटअप देखे रहते, आप मन यहाँ आना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपो लाइटिंग चला थे संगवारी हो, आप मन देख सकते हो बहुत ही सुंदर। कैमरा लेके नहीं जाते ना काबर की कैमरा यहाँ पे ख़त्म हो सका थे तेकर वजह से। तो संगवारी हो फाइनली हम CG05 एक्सपो के अंदर हवन धमतरी और आप मन के बहुत सारे डिमांड आते हैं इसमें सारंगा के मालिक से बात करो है ना, बात कराओ, इंटरव्यू लो। तो संगवारी फाइनली हम पहुंच चुके हवन और आप मन देखे ला मिली कि ये है डीजे सारंगा भैया जी के शॉप और ओकर मेन हवे संचालक भैया से आप मन के मुलाकात करत हन भैया। भैया सबसे पहले आप मन के नमस्कार है भैया जी, आप मन के छोटे से परिचय देते हो। मेरा नाम अजय कुमार साहू है, मैं रहता हूँ विश्रामपुरी केशकाल जी। आप मैं रहुया कहाँ कह रहा हूँ? विश्रामपुरी केशकाल। केशकाल केशकाल से कितना दूर है? केशकाल से 20 किलोमीटर जी। ये आप मैं सोचे कैसे हो कि आप मेरा डीजे सेटअप चालू करना चाहिए? बचपन से म्यूजिक के शौक रही से जी है ना, तो धीरे धीरे वो अपन कमर्शियल कर लिए जी जी। भैया आप मन ये बताते हो कि आप मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी एक पॉपुलर नाम से जाने जाते हैं सारंगा, जो कि एक ब्रांड है जी। तो वो पॉपुलरिटी आप मतलब किसे मिस होकर बारे में बताते हैं? बचपन से म्यूजिक का शौक था ही जी जी है ना, धीरे धीरे फिर मैं रिमिक्स के बारे में सुना कि ऐसा होता है जी जी, उसकी तैयारी करना शुरू किया जी जी, धीरे धीरे गाने बनाते गया मतलब अपना प्लेटफॉर्म में जी जी है ना, यूट्यूब वगैरह हो गया ये सब में अपन अपलोड करते थे जी जी। उसके बाद लोग उसको सुनते गए, पसंद करते गए, तो ये एक बेनिफिट ये हुआ। उसके बाद दूसरा है साउंड सिस्टम तो अपने को लेना ही था है ना, वो तो अपना सपना ही था, तो वो मैं करता था धीरे 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 धीरे। तो पहले आप मन के पास साउंड सिस्टम नहीं रही से? नहीं पहले नहीं था, पहले सिर्फ रिमिक्स के काम करता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, पहले क्या था जैसे मेरा 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैं प्लान किया कि कुछ करना चाहिए, तो पहले सबसे पहले मेरे पास साउंड सिस्टम ही आया जी जी। उसके बाद जो है अब साउंड सिस्टम तो अपने पास था ही था जी जी। तो उसके बाद फिर मैं बोला कि भाई गाने के लिए बहुत दिक्कत होता था पहले, सही है सही, हमको गाने की पहले CD खरीदनी पड़ती थी, रायपुर जाना पड़ता था, मतलब बहुत समस्याएं होती थी। और दूसरी बात छत्तीसगढ़ी गानों का जो है वो रिमिक्सेस हमको मिलता नहीं, सही है। तो फिर एक प्रयास किए कि भाई अपने को तो सिस्टम में चलाना है तो थोड़ा बहुत तो बन जाए है ना, तो उसके हिसाब से अपन फिर काम किया ठीक है।
ये अपन ये बताते हो कि आप मन के पढ़ाई लिखाई अध्ययन अध्यापन कहाँ तक है? मेरा पढ़ाई हुआ है विश्रामपुरी में जी। सबसे पहले बचपन तो मेरे नाना नानी यहाँ बीता, मैं वहाँ फर्स्ट क्लास से सेवन क्लास तक बेलर नगरी सिहावा वहाँ पढ़ा। उसके बाद जो है फिर हमारे मम्मी पापा जो हैं वो विश्रामपुरी में टीचर हैं जी जी, फिर मैं वहाँ चला गया विश्रामपुरी में। तो सेवन क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक जो है विश्रामपुरी में जी जी। आप मन के माता पिता मन के बारे में बताते हो? मेरी मम्मी बेलर से है जी और पापा जी यहाँ से है। आपका सनौद विश्रामपुर सनौद वासी जी। कहाँ काम करते हैं मम्मी पापा? पापा जी टीचर हैं बताया आपको, और मम्मी हाउसवाइफ जी जी। ये बताओ भैया कि आप इतना बड़े जो सेटअप चलाते हो अभी के डेट में जी, कई मन बोलते हैं कि एकदम पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो कहा एकदम पढ़ाई लिखाई जरूरी कि जुनून जरूरी है चीज के लिए? जुनून तो जरूरी है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, क्योंकि हमारा साउंड का भाषा इंग्लिश है, थोड़ा कठिन होता है। बाकी आपका सुनने का तरीका है ना, और एक जो जज्बा होना चाहिए वो आप में अगर है आप कर सकते हैं। वैसे सभी में है जज्बा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस तरीके अलग अलग। सही है। तो सबसे पहला गाना आप मन के कौन से वायरल हुई सोला बताते हो? पहला गाना था गोरी के गोरी गोरी गाल जी। हाँ, सबसे पहला गाना वो वायरल हुआ। हाँ, वायरल मतलब अच्छे से वो चला था, बाकी अपन डालते ही थे। सही है। हाँ, छत्तीसगढ़ी नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी आप मन का ट्रेवल करे हो साउंड सिस्टम लेके? हाँ, हमारा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र जाते। आपके पब्लिक मन देखा था, आपके दर्शक मन देखा था, बहुत सारा कमेंट पे कमेंट आते भर भर के आप मन के इंटरव्यू के लिए, तो मतलब क्या बोलना चाहते हो? मतलब इतना माया दुलार आप मतलब देते, इतना सपोर्ट आप मतलब करते, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके माया दुलार से ही अपन जो है आगे बढ़ रहे हैं। सीधा सीधा बात भाई, उन लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं हमको, तब जाके हमारा एक एक स्टेप ऊपर होते चला जा रहा है। अभी हम कहाँ मौजूद हवन तेला बताते हो? हम लोग अभी धमतरी में है जी, एक्सपो 2024 छत्तीसगढ़ में। और कहाँ कहाँ एक्सपो होते? एक्सपो अभी रायपुर में हुआ जी, है ना, धमतरी तो हमारा है ही जी, सबसे पहले तो यहीं से शुरू हुआ जी जी। उसके बाद आपका और एक एक्सपो जो है दो तो हुआ, दो या तीन एक्सपो, दो तीन एक्सपो होता है। हाँ, तो यहाँ धमतरी कब से आते हो आपने? धमतरी में पिछले साल से। अच्छा। हाँ, उसके पहले ईयर तो नहीं आ पाया जी। अभी एक्सपो लोगन जानते, एक्सपो सुनते, एक्सपो, लेकिन एक्सपो के अंदर होते का चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो? एक्सपो के अंदर, एक्सपो यानी होता है बाजार जी, है ना, एक्सपो यानी बाजार होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो जैसे कि कोई भी दुकानदार क्या नया कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, वो सारी चीजों को सेल के रूप में भी दिखाता है, विद प्रैक्टिकली भी दिखाता जी। है। यस। तो यहाँ आदमी आके डेमो भी देख सकते जी, और कुछ खरीदना है तो खरीद भी बराबर दोनों, है ना। तो समझो ये तो रिसपन डीजे सारंगा म्यूजिक के मेन हेड जो है जिन स्टार्ट करे हावे सारंगा ब्रांड ला आज कहाँ से कहाँ पहुँचाया हावे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भैया इस तरीका से अपन नाम ला आगे बढ़ाते रहें, और छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करते रहें। तो संगवारी हो, कैसे लगी इस वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। शायद ही आपके फर्स्ट इंटरव्यू है जी, है ना, आप मन के इंटरव्यू बहुत सारा कमेंट आ रही है, मैं सोचा क्यों ना आप मन के इंटरव्यू ले ही लिया जाए। तो संगवारी ये भैया के पहला इंटरव्यू है, तो हमारे चैनल के दर्शक मतलब सब्सक्राइब करें और बोल देते भैया। बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, एसके गजपाल अपना वो चैनल का नाम है, एसके गजपाल को सब्सक्राइब करें। तो संगवारी मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के कोई दूसरा इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। ठीक, थैंक यू भैया।